नमस्कार दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर ही चीन को आज दूसरा सबसे करारा झटका लगा। जितनी ज्यादा बुरी खबर चीन के लिए है, उतनी ही ज्यादा अच्छी खबर यह भारत के लिए है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय चीन में कोरोना महामारी तेजी से फैली हुई है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बाधित हो रहा है, जिससे कंपनियां वहाँ से निकल कर दूसरे देशों में सेटअप कर रही हैं, जिसमें से एक कंपनी एप्पल भी है। एप्पल अपने सेटअप को वहां से हटाकर भारत में अपने सेटअप लगा रही है। एप्पल भारत में आईफोन 14 का निर्माण करने की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच खाई को कम करना है। एप्पल लंबे समय से अपने अधिकांश आईफोन चीन में ही बनाए हैं। इस समय अमेरिका और चाइना के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग का प्रशासन अमेरिकी सरकार के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है। देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां भी ठप हो गई हैं। यह भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत में पहला आईफोन 3 अक्टूबर के अंत या नवंबर में बनकर तैयार हो जाएगा।